हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि इस कोर्स में हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो दैट्स व्हाट वी गोना डू नाउ। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने एरेज पढ़ा है, वेक्टर्स पढ़ा है। वेक्टर्स की अगर मैं रीकैप दूँ तो हमने वेक्टर्स को देखा था कि वो कुछ नहीं बट एक डायनेमिक एरे डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मेरा जो साइज ऑफ द वेक्टर है या दैट डेटा स्ट्रक्चर जो है, आई डोंट हैव टू डिक्लेयर दैट व्हाइल डिक्लेयरिंग माय वेक्टर, एंड वो जो है साइज जो है वो रिसाइज होता रहता है अकॉर्डिंग टू व्हाट एलिमेंट्स आई एम एडिंग एंड डिलीटिंग फ्रॉम द वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को हमने डिफाइन करने के लिए ये भी देखा था कि वेक्टर को डिफाइन करना है तो सबसे पहले मेरे को वेक्टर हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, और उसके बाद वेक्टर डेटा टाइप एंड वेक्टर नेम, ऐसे जो है मैं अपना वेक्टर डिफाइन कर सकती हूँ कोड में। एंड मैंने देखा था कि इस पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं। हमने देखा था पुश बैक, पॉप बैक से हम लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। साइज ऑपरेशन से हमें साइज मिल सकता है अपने वेक्टर का, रीसाइज से हम उस साइज को चेंज कर सकते हैं, और कैपेसिटी से हम ये देख सकते हैं कैपेसिटी ऑपरेटर से कि स्पेस कितना एलोकेटेड है मेरे वेक्टर को इन मेमोरी। ठीक है, तो ये सब हमने ऑपरेटर्स देखे थे, एंड हमने देखा था कि लूपिंग इन वेक्टर कैसे होता है यूजिंग फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, एंड वी डिड सम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर्स एंड एरेस। आज की क्लास में थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे बट नॉट सो डिफिकल्ट, तो हम साथ साथ करेंगे तो वो हो जाने चाहिए। कोशिश करना कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन जो है तुम्हें लगता है कि ये तुम खुद कर सकते हो तो पॉज माई वीडियो, डू इट yourself, try it yourself, and then जो है कम बैक एंड लुक एट द सॉल्यूशन दैट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज टारगेट सम। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हमें वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इन द एरे हुज सम इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू एक्स। इसका मतलब हमें जो है एक एरे दे रखा होगा, सपोज हमारा एरे जो है वो ये है, ठीक है, विद दीज फाइव एलिमेंट्स। अब इस एरे में मुझे फाइंड करना है कि मेरा टारगेट सम, टारगेट सम जो कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सेवन है, कितने पेयर्स हैं इस एरे में जिनको ऐड करके मेरा टारगेट सम बन रहा है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे दो पेयर्स दिख रहे हैं, एक तो थ्री एंड फोर एंड सिक्स एंड वन, तो ये दो पेयर्स को मैं जब ऐड करूंगी तो मेरा टारगेट सम बन जाएगा, राइट। सो माय आंसर हियर वुड बी टू। बट अब कोड में इसको कैसे कर सकते हैं, कोड में मैं इसको ऐसे चेक कर सकती हूँ कि अगर कोई एक एलिमेंट है, सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया थ्री, अब अगर थ्री के साथ मुझे देखना है कि थ्री के साथ क्या कोई मेरे एरे में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं थ्री में ऐड कर दूँ तो मेरा टारगेट सम बन जाए, तो मेरे को पता चल जाएगा ऐसे कि कितने मेरे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स प्रेजेंट है, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज कि पहले आई विल टेक थ्री एंड आई लूप थ्रू ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे, एंड आई विल सी कि बाकी जो फोर सिक्स सेवन वन है इनमें से क्या कोई एलिमेंट है जिसको मैं थ्री में ऐड कर दूँ तो मेरा टारगेट सम मिल जाए, तो मेरे को यहाँ पे से फोर मिल जाएगा, राइट। नाउ थ्री और फोर तो मेरे को मिल गया, थ्री के लिए मैंने चेक कर लिया, अब मैं नेक्स्ट बारी में मैं फोर के लिए चेक करूंगी। ठीक है, पहले मैंने थ्री पे चेक किया, मैंने फोर के लिए चेक करूंगी। क्या फोर के लिए चेक करने के लिए क्या मुझे थ्री के साथ अगेन चेक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि मैंने थ्री के लिए जब मैं चेक करी थी तो मैंने थ्री प्लस फोर चेक कर लिया था कि वो सेवन बन रहा है या नहीं, तो अब मुझे फोर प्लस थ्री दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मुझे क्या करना है, जब मैं फोर के लिए चेक करूंगी तो मुझे उसके आगे वाले एलिमेंट्स ही चेक करने हैं, राइट। तो हर एलिमेंट पे जाके मुझे उसके आगे वाले एलिमेंट्स के लिए चेक करना है कि क्या वो आगे वाले एलिमेंट्स में से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं उसमें ऐड कर दूँ तो मेरा टारगेट सम बन जाए। ठीक है, तो आई कीप वन एलिमेंट एज कॉन्स्टेंट एंड आई लूप थ्रू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स टू फाइंड कि उन एलिमेंट्स में से जो मेरा दूसरा पार्ट ऑफ द पेयर है वो मेरे को मिल रहा है या नहीं। मिल रहा है तो आई जस्ट ऐड प्लस वन टू माई जो भी मेरा आंसर जो मुझे निकालना है,
ठीक है, तो लेट्स डू दिस इन कोड नाउ. सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एरे जो है वो डिफाइन कर लेती हूँ. यही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में डिस्कस किया है. एंड मेरा जो टारगेट सम यहाँ पे रहेगा वो है 7. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं एक एक एलिमेंट को पहले कांस्टेंट रखूँगी और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए लूप करूँगी. तो मेरे दो लूप्स लग जाएंगे. पहला लूप जो है वो हर एक एलिमेंट को कांस्टेंट रखेगा, और दूसरा लूप जो है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसके बाद उसको लूप करेगा. ठीक है, तो हमें दो लूप्स बना लेंगे. हमारे लूप जो है वो यहाँ पे नेस्टेड होंगे. ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट लूप जो होगा, जो आउटर लूप होगा, वो चलेगा 0 से लेकर मेरा जो भी एरे का साइज है विच इज 5 हियर. तो यहाँ पे हम इन साइज में के लिए मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, एंड साइज तक मेरा वेरिएबल चलेगा. एंड हमें क्या इसके अंदर क्या करना है, हम एक और लूप लगा लेंगे. ठीक है, जे जो कि आई के आगे वाले एलिमेंट्स के लिए ट्रैवर्स करेगा. ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग क्या पॉइंट क्या होगा, आई प्लस 1 एंड जे इज लेस देन इक्वल टू साइज. अब इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें आई और जे वाले को चेक करना है. हमारा जो एरे ऑफ आई है और एरे ऑफ जे है, इस वैल्यू को हमें चेक करना है कि टारगेट सम के इक्वल आ रहा है या नहीं. ठीक है, तो एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, अगर इफ दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू टारगेट सम, देन वील एड प्लस 1 टू आर आंसर. तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट पेयर्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम कर देंगे पेयर्स प्लस प्लस, राइट, एंड एट द एंड ऑफ दीज लूप्स वील हैव आर आंसर. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने नेस्टेड लूप्स का यूज किया है यहाँ पे. ठीक है, पहले हम एक एलिमेंट को कॉन्स्टेंट रखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लूप करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ेंगे और उसके आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें लूप करेंगे. एंड वी विल कीप डूइंग दैट जब तक हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाते, एंड वी बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स जिनका सम जो है वो टारगेट सम के इक्वल है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2. एंड ओके, यहाँ पे हम कुछ तो ओके, इस वाले लूप में हमने जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से लेकर हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया. ठीक है, दोबारा रन करते हैं इसको, कोई बात नहीं. तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया है. इसका मतलब 2 पेयर्स हैं हमारे यहाँ पे जिनका टारगेट सम जो है वो 7 आ रहा है, राइट. आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं कुछ भी रैंडम दे देती हूँ 5. ठीक है, तो इसके लिए एक ही पेयर है जो कि 4 प्लस 1 5 आ रहा है. तो ये भी रन करके देख लेते हैं, माई आंसर शुड कम एज 1, इट्स 1, राइट. अब ये हो गया हमारा टारगेट सम विद पेयर्स. अब बढ़ते हैं टारगेट सम विद ट्रिपलेट्स. यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हुज सम इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू एक्स. ठीक है, इसका मतलब हमारे एरे में हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे होंगे, जैसे कि 3, 1, 2, 4, 0 and 6. ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमारा सपोज टारगेट सम जो है वो है 5. ठीक है, अब आपको कितने ऐसे ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं जिनका सम जो है वो 5 आ रहा है. एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 + 2 + 0 एंड एक है 1 + 4 + 0. तो 2 मुझे ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे जिनका सम जो है वो 5 आ रहा है, राइट, और कोई ट्रिपलेट नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में एक एलिमेंट को कांस्टेंट रख के और बाकी सब के लिए चेक कर रहे थे, अब हमें 2 एलिमेंट्स को कांस्टेंट रख कर और बाकी लूप के लिए चेक करना, बाकी आरे के लिए चेक करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पर 2 की जगह हमारे 3 लूप्स आ जाएंगे.
पहले हम 3 और 1 को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी के लिए चेक करेंगे, फिर हम 3 और 2 को कांस्टेंट रखेंगे, फिर हम 3 और 2 को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी सब के लिए चेक करेंगे, फिर हम 3 और 4 को कांस्टेंट रखेंगे बाकी सब के लिए चेक करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे कितने लूप्स आ जाएंगे, 3 लूप्स आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। हमने एक एरे बना लिया अपना, ठीक है, और इनिशियलाइज कर दिया उसको 3, 1, 2, 4, 0, 6, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा जो टारगेट सम है दैट इज 5, एंड मेरा जो साइज है एरे का वो क्या है 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लूप आएगा जो कि एक एलिमेंट को कांस्टेंट रखेगा इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन साइज तक आई प्लस प्लस। इसके अंदर हमारा एक और लूप आएगा जो कि सेकेंड एलिमेंट को कांस्टेंट रखेगा और ये होगा आई प्लस 1 से लेकर जे इज लेस देन साइज तक जे प्लस प्लस। एंड वन मोर लूप जो कि फाइनली थर्ड एलिमेंट को के लिए लूप करेगा, विच आई एम सेइंग एज के लूप, एंड ये चलेगा जे प्लस 1 से लेकर जे सॉरी के इज लेस देन साइज तक एंड के प्लस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के ये इक्वल टू आ रहा है हमारा टारगेट सम के, तो हम अपना जो भी हमारा इंट ट्रिपलेट्स जिसमें हम अपना आंसर स्टोर कर रहे हैं उसको हम प्लस प्लस कर देंगे। Triplets plus plus, and at the end of these 3 loops, we'll have our answer. ठीक है, तो इसको run करते हैं। यहाँ पे हमारा answer जो है वो 2 आना चाहिए। We got the answer 2, right? अगर यहीं पर मैं 6 try करती हूँ, ठीक है, तो 6 का मुझे एक triplet दिख रहा है 3 + 1 + 2 विच इज 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाना चाहिए 1। कोई और भी ट्रिपलेट है क्या, 4 + 2 + 0, हाँ ये भी एक और ट्रिपलेट है, राइट, 2 ट्रिपलेट्स हैं, इनका सम जो है वो 6 आ रहा है। एक बार यहाँ पर हम अपने कोड को ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। तो ड्राई रन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको अगर देखना है कि आपका कोड जो है वो किसी इनपुट पे कैसे काम करेगा, या फिर आपको चेक करना है कि आपने जो कोड लिखा है वो एक पर्टिकुलर सैम्पल इनपुट पे सही आउटपुट दे रहा है या नहीं, तो उसके लिए आप अपने कोड को मैनुअली जो है रन करते हो किसी पर्टिकुलर इनपुट पे टू सी कि हाउ द वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है, जो भी आपके कोड में वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है एंड कैसे आपका फाइनल जो है आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम अपने कोड को जो है ड्राई रन कर सकते हैं। हमने देख लिया कि हमारा जो इनपुट है वो ये है, एंड यहाँ पर हम कॉमेंट्स में इसको लिख देते हैं 3, 1, 2, 4, 0, 6, ठीक है। तो ये हमारा जो इनपुट एरे है वो है, एंड हमारा जो टारगेट सम है वो हमारा 6 है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने 3 लूप्स लिखे हैं। सबसे पहले जो आउटर लूप है वहाँ पे i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू i + 1 होगी, मतलब कि 0 + 1 विच इज 1, एंड k की वैल्यू होगी j + 1 विच इज 1 + 1, 2, ठीक है। तो ये जब पहली बार कंडीशन चेक होगी तब हमारी ये वैल्यूज हैं i, j और k की। अब मैंने देखा कि एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ k क्या टारगेट सम के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एरे ऑफ i क्या है, एरे ऑफ i की वैल्यू क्या है, जो मेरा जीरोथ एलिमेंट है दैट इज 3, मेरा एरे ऑफ
जे की वैल्यू क्या है, एरे ऑफ वन विच इज वन, एंड एरे ऑफ के, ठीक है, मतलब कि एरे ऑफ टू दैट इज ऑल्सो टू, ठीक है. तो मेरा एरे ऑफ आई जे के जो है वो ये तीनों एलिमेंट्स है, 3, 1, 2, जो फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स है मेरे एरे के. एंड मैंने चेक किया कि इनको ऐड करके क्या 6 आ रहा है, टारगेट सम जो हमारा है, ठीक है. तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी, 3 + 1 + 2 = 6 है, तो हम ट्रिपलेट्स की वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ा देंगे. तो पहले जो है ट्रिपलेट्स की वैल्यू वो हम यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा रिजल्ट है. पहले जो है ट्रिपलेट्स की वैल्यू 0 थी, अब वो 1 हो गई जैसे ही ये कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू हुई. अब इसके बाद क्या होगा कि k की वैल्यू, ये वाला लूप चलेगा हमारा, ये इनर वाला लूप जो k वाला लूप है, तो k की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी. k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, k की वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब कि अब जो है एरे ऑफ k क्या है, 4 है. एरे ऑफ k क्या है यहाँ पे, 4 है. अब हम चेक करेंगे 3 + 1 + 4 दैट इज नॉट इक्वल टू आर टारगेट सम विच इज 6, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. नेक्स्ट अगेन जो है हमारे के की वैल्यू बढ़े के 4 हो जाएगी. अब क्या है एरे ऑफ के, एरे ऑफ के की वैल्यू है 0. दोबारा जो है हमारा कंडीशन चेक होगा 3 + 1 + 0 दैट इज 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 6, तो के की वैल्यू जो है दोबारा इंक्रीज हो जाएगी. के की वैल्यू अब 5 हो गई है, तो हमारा एरे ऑफ के क्या है, एरे ऑफ के है 6. Now 3 + 1 + 6 that is 10, that is not equal to 6, तो अगेन हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई. अब जो है मेरा k जो है वो साइज के इक्वल हो जाएगा जब नेक्स्ट बारी इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होगी. अब ये k जो है साइज के इक्वल हो गया है, तो इस लूप से मैं बाहर आ जाऊंगी, इस लूप से मैं बाहर आ जाऊंगी, एंड अब मेरी j की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी. तो मेरी j की वैल्यू अब हो जाएगी 2, एंड के की वैल्यू जो है वो हो जाएगी जे प्लस 1 विच इज 3. अब क्या है मेरा एरे ऑफ आई तो 3 ही रहेगा, एरे ऑफ जे क्या हो जाएगा मेरा, एरे ऑफ जे जो है मतलब कि एरे ऑफ 2 हो जाएगा 2, एंड मेरा एरे ऑफ के क्या हो जाएगा, एरे ऑफ के हो जाएगा 4, ठीक है. थर्ड जो थर्ड इंडेक्स में मेरा कौन सा एलिमेंट है, 4 है, राइट. अब जो है ये कंडीशन चेक होगी, क्या 3 + 2 + 4 = 6 है, नहीं है, तो मेरा k की वैल्यू जो है वो बढ़ के 4 हो जाएगी. अब एरे ऑफ k क्या हो जाएगा, अब एरे ऑफ k हो जाएगा 0. दोबारा चेक होगा 3 + 2 + 0 क्या ये इक्वल टू 6 है, नहीं, दोबारा k की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी. अब मेरा एरे ऑफ k हो जाएगा 6, 3 + 2 + 6 दैट इज 11, दैट इज नॉट इक्वल टू 6, तो अगेन मेरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई एंड k की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी. अब दोबारा जो है मेरा k की वैल्यू जो है वो साइज के इक्वल हो गया, तो हम दोबारा जो है ये वाले सबसे इनर वाले लूप से हमारा ये वाला लूप खत्म हो जाएगा. दोबारा j की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 3. अब जब j की वैल्यू हमने 3 करी, हमारी k की वैल्यू क्या होगी, j प्लस 1 विच इज 4, तो मेरा एरे ऑफ j जो है वो 2 से 4 हो जाएगा, और एरे ऑफ k मेरा क्या होगा, एरे ऑफ k मेरा होगा 0, ठीक है. एरे ऑफ जो फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ इंडेक्स पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, 0 है, ठीक है. अब मेरा 3 + 4 + 0 दैट इज 7 नॉट इक्वल टू 6, ट्रू नहीं हुई हमारी कंडीशन, तो k की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, 5 हो जाएगी. अब मेरा एरे ऑफ k क्या हुआ, वो 6 हुआ. क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 3 + 4 + 6 7 + 6 = 13 हुआ, इज नॉट इक्वल टू 6, k की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी, साइज के इक्वल हो जाएगी, हमारा k वाला लूप फिर से ख़त्म हो जाएगा, एंड j की वैल्यू इंक्रीज होके 4 हो जाएगी, ठीक है. अब j की वैल्यू हमारी 4 हो गई, तो k की वैल्यू हो जाएगी 5, j प्लस 1, मेरे एरे ऑफ j हो जाएगा 0, और मेरा एरे ऑफ k क्या हो जाएगा, एरे ऑफ k हो जाएगा 6. अब यहाँ पर 3 + 0 + 6 दैट इज 9 नॉट इक्वल टू 6 विच इज माई टारगेट सम, तो k की वैल्यू जो है वो अब हो जाएगी
सिक्स बढ़ के दोबारा साइज के इक्वल हो गई, लूप खत्म हो गया, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी टू फाइव एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी जे प्लस वन विच इज सिक्स. अब यहां पर के की वैल्यू क्योंकि सिक्स है तो ये वाला लूप जो है कभी रन ही नहीं होगा क्योंकि के शुड बी लेस देन साइज. ठीक है, तो अगेन मेरा के वाला भी लूप खत्म हो गया, जे वाला लूप भी खत्म हो गया क्योंकि जे की वैल्यू जब सिक्स हो जाएगी तो ये वाली जो कंडीशन है जे इज लेस देन साइज ये भी फॉल्स हो जाएगी. तो मेरा के वाला लूप भी खत्म हो गया, जे वाला लूप भी खत्म हो गया. अब मैं आऊंगी बाहर अपने आई वाले लूप में और आई के वैल्यू जो है वो इंक्रीज होके वन हो जाएगी. अब मेरा एरे ऑफ आई क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम वन. माई जे विल बिकम आई प्लस वन विच इज टू एंड माई के विल बिकम टू जे प्लस वन विच इज थ्री. तो एरे ऑफ जे जो है वो मेरा हो जाएगा टू एंड एरे ऑफ के जो है वो हो जाएगा फोर. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे मैं ड्राई रन कर रही हूँ अपना कोड. मैं बेसिकली आई जे के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू देख रही हूँ कि कैसे चेंज हो रही है लूप्स में एंड मेरा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे और एरे ऑफ के की वैल्यूज क्या हो रही है उस हिसाब से. एंड देन मैं चेक कर रही हूँ कि उनको ऐड करके जो है वो टारगेट सम आ रहा है या नहीं. तो बेसिकली जो मैंने कोड लिखा है मैं उसी को मैन्युअली देख रही हूँ कि मेरे इनपुट पे वो कैसे काम कर रहा है. ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे करना है ड्राई रन. ये i इज इक्वल टू वन के लिए ये चलेगा पूरा इनपुट के लिए. देन नाउ अगेन जैसे ही मेरा जे जो है, जे वाला लूप अगेन जो है वो फिनिश हो जाएगा जब जे इक्वल टू साइज हो जाएगा तो दोबारा i की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो टू हो जाएगी. फिर दोबारा जो है हमारे जे और के लिए लूप्स चलेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, तो ऐसे हमने एक एक हमें ट्रिपलेट मिल गया था यहाँ पे थ्री वन टू. नेक्स्ट जब मेरी आई की वैल्यू होगी टू, जे की वैल्यू होगी थ्री और के की वैल्यू होगी फोर. ठीक है, जब मेरे आई जे के की वैल्यूज ये होंगी तो मेरा एरे ऑफ आई होगा टू, एरे ऑफ जे होगा फोर और एरे ऑफ के होगा जीरो. एट दैट टाइम अगेन मेरा टू प्लस फोर प्लस जीरो जो है वो टारगेट सम के इक्वल हो जाएगा तो ट्रिपलेट्स की वैल्यू जो है वो टू हो जाएगी. और जब आई भी रीच कर जाएगा टू सिक्स एट दैट टाइम जो है हमारे तीनों लूप्स जो है वो खत्म हो जाएंगे एंड हमारा ट्रिपलेट्स में जो भी आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ड्राई रन करना इज अ गुड प्रैक्टिस व्हेन यू वांट टू टेस्ट कि आपका जो कोड है वो कैसे चलेगा किसी गिवन इनपुट पे. यू वांट टू टेस्ट कि वो सही आउटपुट देगा या नहीं. ठीक है, विच इज ऑन एरे मैनिपुलेशन. यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द यूनिक नंबर इन अ गिवन एरे वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड ट्वाइस विद वन वैल्यू बीइंग यूनिक. इसका मतलब हमें एक एरे दे रखा होगा और इसके अंदर हमारे कुछ वैल्यूज होंगे जो कि ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज जो हैं वो रिपीटेड होंगे. ठीक है, थ्री टू फोर वन. अब यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हैं वो ट्वाइस रिपीटेड है, टू टाइम्स रिपीटेड है एक्सेप्ट फोर. तो फोर इज आर यूनिक नंबर हियर एंड ये हमें आइडेंटिफाई करना है इन आर एरे. तो अब ये कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, और अगर आपको अगर आपने सपोज पेयर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए पहले, तो आप बता सकते हो कि जो एक नंबर है जाएगा वो यूनिक है. ठीक है, अब पेयर्स कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, पेयर्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे. उसके लिए ऐसे सोचो कि सपोज मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे मैं पेयर्स को अपने एरे से हटा दूँ या फिर उनकी वैल्यूज को कुछ चेंज कर दूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि ये एक पेयर है तो मैंने इसको हटा दिया. कि सपोज मेरे को पता है कि टू जो है उसका एक पेयर है तो मैंने टूज को स्ट्राइक ऑफ कर दिया या मैंने कुछ कर दिया एरे में टू टू सिग्निफाई कि टू एक पेयर है. सिमिलरली मुझे पता चल गया कि थ्री एक पेयर है तो मैंने थ्री को स्ट्राइक कर दिया. सिमिलरली मेरे को पता चल गया कि वन एक पेयर है तो मैंने वन को स्ट्राइक ऑफ कर दिया. तो बचा क्या, फोर बचा.
अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा पेयर है? इसके लिए हम लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी किया है, उसका हेल्प ले सकते हैं हम. हम दो लूप्स लगा सकते हैं, ठीक है. हमने पहले एक एलिमेंट को कांस्टेंट रखा और बाकी एलिमेंट्स के लिए लूप लगाया. जैसे ही हमें मिला कि कोई और एलिमेंट इज इक्वल टू द कांस्टेंट एलिमेंट, दैट मींस कि हमें एक पेयर मिल गया है, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दिस टू इज अ पेयर. सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं यूजिंग टू लूप्स. अब इनको स्ट्राइक ऑफ कैसे करेंगे, हमें कैसे, हम इनको हटाएंगे कैसे अपने आरे से? ये हम कर सकते हैं बाय एरे मैन्यूपुलेशन. एरे मैन्यूपुलेशन में क्या होता है कि हम एरेज में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एरेज में एलिमेंट्स को कुछ और वैल्यू दे देते हैं. बेसिकली एरे को मैन्यूपुलेट कर देते हैं ताकि हम अपने आंसर तक जल्दी नहीं आ पाए और इजीली आ पाए. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता चलेगा कि कोई भी एक पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि दो बारी रिपीट हो रहा है, मतलब कि तो जैसे यहाँ पे टू का पेयर है, तो हम उसको माइनस वन से अपडेट कर देंगे उसकी वैल्यूज को, ठीक है. सिमिलरली हमें थ्री का जब पता चलेगा तो हम उसको माइनस वन कर देंगे, वन का जब पता चलेगा तो दोनों जगह माइनस कर देंगे. अब जब हम सारे को ट्रैवर्स करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर माइनस वन नहीं है या फिर कोई नंबर जीरो से ज्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो फोर है, राइट. मैंने माइनस वन यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो माइनस वन भी हो सकती है, ठीक है, सपोज मेरा यूनिक नंबर माइनस वन ही हो, फिर कैसे हमें पता चलेगा? तो उसके लिए हम जो है माइनस वन की जगह कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वहाँ पे हमारे एरे में सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं या नहीं, ठीक है. तो अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि हमारे एरे में जो है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको सबको माइनस वन से हटा देंगे. जो भी हमें पेयर्स मिलते जाएंगे हम उनको माइनस वन करते रहेंगे, एंड जो कि जो भी हमें माइनस वन नहीं मिलेगा या मोर देन जीरो मिलेगा अपना नंबर, उसको हम बोल देंगे कि वो हमारा यूनिक नंबर है, ठीक है. तो इसको कोड में देखते हैं. सबसे पहले एक हमारा एरे जो है वो हम बना लेते हैं, टू थ्री वन थ्री टू वन फोर वन, ठीक है. एंड यहाँ पर अब हमें निकालना है फोर को. तो सबसे पहले जो पेयर्स हैं उनको हटाने के लिए हम लूप्स यूज़ कर लेते हैं. हमारा लूप जो है सबसे पहले आउटर वाला चलेगा ज़ीरो से लेकर हमारा साइज तक. साइज भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इंट साइज इज इक्वल टू सेवन, ठीक है. एंड इस लूप के अंदर मैं एक और लूप लगाऊंगी, इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस वन से लेकर जे इज लेस देन साइज तक जे प्लस प्लस. एंड इसके अंदर हम चेक कर रहे होंगे कि क्या कोई एरे ऑफ आई, क्या कोई एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे है. अगर हमें ऐसे कोई नंबर्स मिल जाते हैं जो कि इक्वल हो, मतलब कि हमें एक पेयर मिल चुका है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ जे इक्वल टू माइनस वन मैंने कर दिया, राइट. तो ऐसे जो है मेरे लूप्स के एंड में क्या होगा कि जो भी सारे पेयर्स होंगे, जो भी सारे रिपीटेड नंबर्स होंगे, वो माइनस वन से रिप्लेस हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो. एंड एंड में मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा एक लूप लगा दूंगी, लेस देन साइज आई प्लस प्लस. एंड इस लूप के अंदर मुझे जैसे ही कोई नंबर मिलेगा जो कि मोर देन जीरो होगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरा आंसर होगा. जिसको स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट यूनिक. एंड यूनिक इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है. या फिर मैं यहाँ पे सीधा जो है प्रिंट भी करवा सकती हूँ, Q
क्योंकि एक ही नंबर है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक ही नंबर है, ठीक है, जो कि रिपीटेड नहीं है ट्वाइस, तो मैं सीधा उस नंबर को मेरे एरे ऑफ आई में सिर्फ एक ही नंबर बचेगा जो कि मोर देन जीरो होगा एट द एंड ऑफ दिस लूप, बाकी सब जो है वो माइनस वन हो चुके होंगे, तो मैं सीधा उसको प्रिंट करवा सकती हूँ। राइट, सो लेट्स रन दिस, एंड यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो फोर हो रहा है। राइट, अगर यहीं पर मैं फोर का भी पेयर डाल दूं एंड फाइव कर दूं, मेरा साइज जो है वो नाइन हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइव जो है मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए, हो रहा है। राइट, सो दैट्स हाउ वी फाइंड अ यूनिक नंबर इन एन एरे जहाँ पे बाकी सारे नंबर्स जो है वो ट्वाइस रिपीटेड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द गिवन एरे। अब यहाँ पे हमें, हमने देखा था लार्जेस्ट एलिमेंट अगर हमें फाइंड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज हमें एक एरे दे रखा है 2, 3, 5, 7, 6, 1, ठीक है। अब इस एरे में अगर मेरे को लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी कि एक वेरिएबल बना लूँगी मैक्स, ठीक है, और इसको कुछ इनिशियलाइज कर दूँगी मिनिमम वैल्यू, इंट मिनिमम। इंट मिनिमम से हमें कोड में जो मिनिमम वैल्यू होती है इंटीजर्स की वो मिल जाती है, ठीक है, अभी कोड में भी देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे को इंट मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो है मैंने स्टोर कर ली मैक्स में, और अब मैक्स को मैं हर एलिमेंट से कंपेयर करूँगी, ठीक है, पहले टू से कंपेयर करूँगी कि क्या टू जो है मैक्स से ज़्यादा है, अगर है तो मैक्स को अपडेट कर दो, तो मैक्स में वैल्यू आ जाएगी मेरी टू। फिर थ्री मैं चेक करूँगी कि वो टू से ज़्यादा है तो थ्री आ जाएगी, देन फाइव आ जाएगी, देन सेवन आ जाएगी, फिर सेवन के बाद वाले एलिमेंट सेवन से छोटे हैं तो मैक्स वैल्यू मेरे को सेवन मिल जाएगी। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को सेकेंड लार्जेस्ट फाइंड करना है, सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है सिक्स, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। अगेन यहाँ पे हम एरे मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे को पता चल गया कि मेरा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो ये सेवन है, और मैंने इस सेवन को कुछ मिनिमम वैल्यू दे दी, ठीक है, जैसे कि सेवन को मैंने ज़ीरो कर दिया अगर मेरे एरे में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, या फिर मैंने इसको माइनस वन कर दिया सपोज, अब जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा अपने एरे का वो होगा सिक्स, मैं सिक्स को जो है, सिक्स जो है मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। राइट, तो ऐसे जो है हम एरे मैनिपुलेशन करके हमारे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दो बारी लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, एक बारी तो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढा, हमें सेवन मिल गया, उसके बाद जब सेवन को मैंने मैनिपुलेट करके माइनस वन कर दिया, अब दोबारा मेरे को लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है जो कि सिक्स मुझे देगा। राइट, तो मुझे सेम ऑपरेशन दो बारी करना है विच इज़ फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे फंक्शंस का यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन राइट अ फंक्शन जो कि मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ दे एंड मेरे को रिटर्न कर दे इंट। इस इंट लार्जेस्ट फंक्शन में मैं एक एरे जो है वो पास कर रही हूँगी, इंट एरे, और उसका साइज, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इस एरे का जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट मैक्स, एंड इसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ इंट मिनिमम से। अब यहाँ पे मैं एक लूप लगा दूंगी, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर साइज तक, एंड ये क्या करेगा, पूरे एरे को लूप करेगा, एंड कहीं पे भी अगर हमें एक एलिमेंट मिलता है जो कि मोर देन हमारा मैक्स है तो वहाँ पे वो मैक्स को अपडेट कर देगा एंड एरे ऑफ आई कर देगा, एंड एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन आई रिटर्न माई मैक्स एलिमेंट, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, मेरे को लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे जो है वो रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो इंट मिन है
ये एक एक्चुअली कांस्टेंट है जो कि मैं यहाँ पे सीधा इंट मिन भी होता है, इंट मैक्स भी होता है, ये कांस्टेंट्स होते हैं विच इज़ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर डेटा टाइप जो यहाँ पे सी प्लस प्लस में मेरे पास अवेलेबल है. एंड जब भी आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है कहीं पे या मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो ताकि बाकी सारे एलिमेंट्स को आप उससे कंपेयर कर पाओ. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन लिख लिया. अब हमें अपने मेन फंक्शन पे आते हैं. हम सबसे पहले एक एरे जो है अपना इनपुट वो डिफाइन कर लेते हैं. हमने एक एरे ले लिया, क्या लिया था यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 6, 1. ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इंट लार्जेस्ट एलिमेंट मैंने फाइंड कर लिया अपने फंक्शन से, लार्जेस्ट एलिमेंट. एंड यहाँ पर मैं क्या दे रही हूँगी, इनपुट ना एरे एंड उसका साइज जो कि है 6. ठीक है, इसको हम वेरिएबल को नाम चेंज करते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट. ठीक है, अब मेरे को इंट लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया. अब मेरे को इस लार्जेस्ट एलिमेंट को डिलीट करना है इन माय एरे. तो व्हाट कैन आई डू इज, अब मुझे इसका पोजीशन चाहिए होगा यहाँ पे एक्चुअली. तो मैं यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट की जगह लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स जो है मैं अगर रिटर्न करा लूँ तो दैट विल बी मोर यूजफुल टू मी, राइट? क्योंकि फिर उस इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है मुझे पता है वो लार्जेस्ट है, तो मैं उसको सीधा जाके अपडेट कर सकती हूँ. तो यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. हम लिखते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट इंडेक्स एंड लेट्स यूज कैमल केस हियर, लार्जेस्ट एलिमेंट इंडेक्स. और यहाँ पे हम मैक्स की जगह हम रिटर्न करना चाहते हैं आई. ठीक है, तो उसके लिए एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट मैक्स इंडेक्स. ठीक है, जिसको मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया. एंड जब भी हमारा मैक्सिमम जो वेरिएबल है वो अपडेट होगा तो मैक्सिमम इंडेक्स को भी हम अपडेट कर देंगे और उसमें आई डाल देंगे. और यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम इंडेक्स. ठीक है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमने लार्जेस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट. ठीक है, इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट, तो हमें लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएगा. अब यहाँ पे हमें मतलब कि 7 का इंडेक्स मिल जाएगा विच इज़ 0, 1, 2, 3 हमें मिल गया. अब इस 3 इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हमें अपडेट करना है. तो मैं सीधा लिख सकती हूँ एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट इज इक्वल टू -1. एंड नाउ जो मैं फाइंड करूँगी इंडेक्स ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट, इसके लिए मैं दोबारा जो है ये फंक्शन यूज कर सकती हूँ, राइट? एंड अब जब मैं एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढूंगी तो मुझे इंडेक्स ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा. एंड मुझे क्या प्रिंट करना है अपना आंसर के लिए, एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट. ठीक है, ये हमें इंडेक्स रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, तो एलिमेंट प्रिंट करने के लिए मुझे एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंट करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स प्रिंट दिस. अच्छा, यहाँ पे हम नाम जो है हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया लेकिन नीचे नहीं अपडेट किया है. तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो 6 आ गया है, राइट? एंड यहाँ पे आप इसको जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको भी प्रिंट करा के देख सकते हैं. ठीक है, बिफोर वी चेंज इट्स वैल्यू.
तो लेट्स डू दैट. तो पहले हमारा 7 था, हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट था, और हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 6. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एरे मैनिपुलेशन यूज करके हमने अपना सेकंड लार्जेस्ट जो है एलिमेंट वो फाइंड कर लिया है. अब यहाँ पर हमें देखिए कि इस इनपुट पे हमारे पास करेक्ट जो है वो आउटपुट आ रहा है, 6 आ रहा है हमारे पास आउटपुट, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट. यहीं पे अगर मैं अपना इनपुट जो है थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ पे जो अभी हमने सॉल्यूशन लिखा है वहाँ पे हम अज्यूम करें कि सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे यूनिक हैं, मतलब कि कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है. लेकिन अगर मैं इनपुट चेंज कर दूँ और मैं बोलूँ कि हमारी इनपुट में डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड सब लार्जेस्ट एलिमेंट है उसी के डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, क्या हमारा सॉल्यूशन जो है वो सही काम करेगा इस इनपुट पे? लेट्स चेक दैट एंड वी कैन चेक दैट बाय ड्राई रनिंग आवर कोड ऑन दिस इनपुट. ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है. अब ये एरे जो है जब मैं अपने फंक्शन के थ्रू पास करूंगी तो मेरे को इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट जो है वो क्या रिटर्न करेगा, ये 7 जो है उसका इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देगा, जो भी फर्स्ट 7 एलिमेंट उसे मिलेगा, जो भी फर्स्ट 7 उसको मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या है, 3 है, तो मुझे 3 जो है रिटर्न हो जाएगा. अब मैंने क्या किया कि जो 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया -1 से. ठीक है, वहां पे मैंने -1 डाल दिया, तो यहाँ पर मेरा जो एरे जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा. मैंने 3rd इंडेक्स पे -1 डाल दिया. तो अब जब मैं नेक्स्ट लाइन में दोबारा उसको लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करूंगी अपने एरे में एंड उसका आंसर जो है मैं स्टोर कर रही हूँ इंडेक्स ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट वेरिएबल में. अब इस एरे में आप लोगों को दिख रहा है कि मैं जब लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करूंगी तो मुझे 6 नहीं रिटर्न करेगा, वो मुझे 7 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है 7 के, है ना. तो एंड हमने सिर्फ एक 7 को जो है रिप्लेस किया था -1 से, सारे 7s को हमने रिप्लेस नहीं किया, तो अभी भी मेरे को इंडेक्स और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो ये वाले 7 का इंडेक्स रिटर्न होगा 6. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा आंसर जो है 7 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, और ये मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ आपको रन करके, हमारा एरे जो है वो 7 साइज का है एंड इस इनपुट पे मैं जब इसको रन कर रही हूँ तो मेरे पास 7 और 7 जो है वो प्रिंट हो रहा है. ठीक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो भी 7 ही प्रिंट हो रहा है, विच इज़ द रॉन्ग आउटपुट. तो अब इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है तुम लोग ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पे इनपुट देख लेना कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द इनपुट दैट यू आर गेटिंग. क्या हमारे एरे में सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनिक है, या फिर हमारे एरे में डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ये जनरली जो है तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर तुम्हें कुछ सैम्पल इनपुट्स दे रखे होंगे जहाँ से तुम ये जज कर सकते हो. ठीक है, तो हमने जो पहले सॉल्यूशन लिखा था वो हमने सॉल्यूशन लिखा था अज्यूमिंग कि हमारे एरे में जो है सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अब अगर मैं बोल रही हूँ हमारे एरे में डुप्लीकेट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम अपने कोड को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ एक 7 को ना रिप्लेस करूँ -1 से, बल्कि जो जहाँ जहाँ पे मेरे एरे में 7 प्रेजेंट है जो कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है वहाँ वहाँ पे मैं उसको -1 से रिप्लेस कर दूँ. ठीक है, तो ये मैं नहीं करती हूँ. मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम अपने लार्जेस्ट जो एलिमेंट है उसको स्टोर कर लेते हैं एक नए वेरिएबल में, इंट लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट. ठीक है, अब मैं एक लूप लगाऊंगी जो कि मेरे पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा एंड यहाँ पे हमें बार बार 7 लिखने की जगह एक वेरिएबल बनाने लेना चाहिए n. ठीक है, कुल तो हमारा एरे जो है वो 7 साइज का है, हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड जहाँ जहाँ पर मेरा एरे ऑफ i इक्वल टू होता है लार्जेस्ट एलिमेंट के, मतलब कि जहाँ जहाँ पे मेरे पास लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है इन माय एरे, वहाँ पे उन सब वैल्यूज़ को मैं रिप्लेस कर दूंगी बाय -1.
ठीक है, वहां वहां पे मैंने एरे ऑफ आई कर दिया इक्वल टू माइनस वन. अब क्या होगा जब ये लूप चलेगा, तो ये लूप पूरे एरे में देखेगा कि सेवन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, पहला सेवन उसे यहाँ पे मिला था थर्ड इंडेक्स पे, उसने उसको माइनस वन कर दिया. दूसरा सेवन उसे यहाँ मिलेगा सिक्स इंडेक्स पे, तो वो इसको भी माइनस वन कर देगा. अब जब हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे इस एरे में, तो मुझे क्या मिलेगा, सिक्स मिल जाएगा, इसका इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है, विच इज फोर. तो मेरा सिक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा. लेट्स चेक दैट अगर हमने सही किया तो. यस yes, हमारा पहले लार्जेस्ट एलिमेंट सेवन प्रिंट हो रहा है यहाँ पे इस स्टेटमेंट की वजह से. एंड देन लास्ट में हम जब सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंट कर रहे हैं, तुम्हारा सिक्स प्रिंट हो रहा है, विच इज द करेक्ट आउटपुट. तुम्हारा यहाँ पे जो है करेक्ट आउटपुट आ रहा है. अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, हम सबसे पहले जो है जब लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तब एक बारी हम अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर हम जब वो लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं बाय माइनस वन, तब दोबारा हम अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं. देन जब हम सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तब दोबारा हम अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरा टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट. तो हम टोटल में तीन बारी अपने एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं. ठीक है, तो इज देयर सम बेटर वे टू डू इट, जहाँ पे हम मे बी दो ही बारी ट्रैवर्स करके अपने एरे को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, जहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं बाय हैविंग टू वेरिएबल्स, मैक्स एंड सेकेंड मैक्स. एंड हमें बस एरे को ट्रैवर्स करते हुए ये देखना है कि हमारा सेकेंड मैक्स जो है वो मैक्स एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए कभी भी. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यही वाला इनपुट ले लेते हैं. दिस इनपुट हमने ले लिया, हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक होगा हमारा मैक्स और एक होगा हमारा सेकेंड मैक्स. ठीक है, मैक्स के लिए एक बारी तो हमें ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा अपना एरे टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट. तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो सेवन मिल जाएगा. अब सेकेंड मैक्स जो है वो हम कैसे ढूंढेंगे, हम कहेंगे कि सेकेंड मैक्स ढूंढने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो हर जो एलिमेंट है हमारे एरे का उससे हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि हम मैक्स एलिमेंट ढूंढ रहे थे वैसे ही सेकेंड मैक्स ढूंढेंगे. लेकिन हम एट एवरी स्टेप हम ये भी कंडीशन लगा देंगे कि सेकेंड मैक्स शुड नॉट बी इक्वल टू मैक्स. ठीक है, तो मैक्स एलिमेंट जब हम ढूंढते हैं तो हम ये चेक करते हैं इफ एनी एलिमेंट ऑफ एरे इज मोर देन मैक्स, इफ मोर देन मैक्स तो हम मैक्स में a ऑफ i की वैल्यू जो है वो डाल देते हैं. राइट, ऐसे हम अपना मैक्स एलिमेंट डालेंगे. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड मैक्स ढूंढने के लिए हम दो कंडीशन लगाएंगे. हम सेकेंड मैक्स ढूंढने के लिए दो कंडीशन लगाएंगे, एक तो कि a ऑफ i जो है वो सेकेंड मैक्स से ज्यादा हो, तो हम सेकेंड मैक्स में a ऑफ i की वैल्यू डाल देंगे. लेकिन एक और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मेरा a ऑफ i जो है वो मैक्स एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तब हम सेकेंड मैक्स में a ऑफ i की वैल्यू जो है वो डाल देंगे. ठीक है, तो हम मतलब कि लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं अपने एरे में, लेकिन लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हुए एट एवरी स्टेप वी आर चेकिंग कि मेरा जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट मैं निकाल रही हूँ वो मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट जो मैंने पहले ही निकाल लिया है उसके इक्वल ना हो, तो मेरे को सेकेंड लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा. राइट, इसको मैं ड्राई रन भी करके देख सकती हूँ. हमने मैक्स जो है सेवन निकाल लिया. अब सेकेंड मैक्स के लिए सपोज मैंने सेकेंड मैक्स की वैल्यू जो है पहले कुछ मिनिमम वैल्यू से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, अब मैं चेक करूंगी कि क्या जो टू से मैं स्टार्ट करूंगी ट्रैवर्स करना अपना एरे शुरू से. ठीक है, तो टू इज मोर देन माय सेकंड मैक्स, यस, एंड
एंड माय ए ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू मैक्स. तो 2 इज नॉट इक्वल टू 7, तो मेरा सेकंड मैक्स में 2 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी. नेक्स्ट जो है मैं आऊंगी 3 पे. नाउ 3 इज मोर देन 2, राइट, एंड 3 इज नॉट इक्वल टू माय मैक्स वैल्यू व्हिच इज 7. तो अब यहाँ पे 3 जो है वो अपडेट हो जाएगी. सिमिलरली नेक्स्ट ट्रैवर्सल में मैं 5 पे आऊंगी. नाउ 5 इज मोर देन माय सेकंड मैक्स एंड 5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू माई मैक्सिमम वैल्यू विच इज 7. ठीक है, तो सेकेंड मैक्स में 5 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी. नेक्स्ट बारी में मेरे पास 7 आएगा. अब जब 7 आया मेरे पास, तो 7 इज मोर देन सेकेंड मैक्स, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है कि ए ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू मैक्स, ये जो है मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 7 जो है वो इक्वल टू मैक्स एलिमेंट हो जाएगा. मैक्स एलिमेंट हमारा 7 ही है. तो ये कंडीशन जो है, और क्योंकि हम एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो पूरी कंडीशन है ये हमारी फॉल्स हो जाएगी एंड सेकेंड मैक्स जो है वो अपडेट नहीं होगा. नेक्स्ट हम जाएंगे 6 पे. 6 इज मोर देन सेकेंड मैक्स एंड 6 इज नॉट इक्वल टू माई मैक्स एलिमेंट विच इज 7. तो सेकेंड मैक्स में 6 जो है स्टोर हो जाएगा. नेक्स्ट मैं जाऊंगी 1 पे. 1 इज नॉट मोर देन सेकेंड मैक्स, तो यहाँ पे तो फर्स्ट हाफ ऑफ दी कंडीशन ही फॉल्स हो गई. नेक्स्ट मैं दोबारा 7 पे आऊंगी. 7 इज मोर देन सेकेंड मैक्स, लेकिन 7 इज इक्वल टू मैक्स, तो मेरा सेकेंड हाफ ऑफ दी इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई. ठीक है, तो क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है अपडेट नहीं होगी, और सेकेंड मैक्स में क्या वैल्यू रह गई, 6 रह गई. ठीक है, तो हमारा जो है 6 जो है वो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, इसको हम कोड भी कर सकते हैं, ये वाले फंक्शन को जो है हम कमेंट आउट कर देते हैं. ये जो हमने लिखा था ये गलत नहीं था सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे थे सबसे पहले कि हमारे सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनिक थे, और फिर जब हमने उसको डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए चेंज किया तो वहाँ पे 3 ट्रैवर्सल्स हो रहे थे आरे के. तो ये जो है अब जो हमने सॉल्यूशन देखा है, एक मोर डायरेक्ट सॉल्यूशन है टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमें डायरेक्टली सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो रिटर्न कर देगा. हमारे पास पैरामीटर्स में आ रहा है एरे और उसका साइज. तो हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे. एक तो हमारा मैक्स होगा, ठीक है, जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया इंट मिन से, एंड हमारे पास होगा सेकेंड मैक्स एंड इसको भी हम इनिशियलाइज कर देंगे इंट मिन से. ठीक है, अब यहाँ पर हम लूप चलाएंगे अपना जो कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा, एंड सबसे पहले हम अपना मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो फाइंड कर लेंगे. तो इफ एरे ऑफ आई इज मोर देन मैक्स, तो भाई मैक्स को अपडेट कर दो बाय एरे ऑफ आई. ठीक है, तो यहाँ पे इस लूप के बाद मेरे पास मैक्सिमम जो मतलब कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है अपने आरे का वो आ जाएगा मैक्सिमम वेरिएबल में. अब सेकंड मैक्स ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है, मैं दोबारा सबसे पहले लूप लगाऊंगी लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और मेरी जो इफ कंडीशन वो क्या होगी कि एक तो सबसे पहले एरे ऑफ आई शुड बी मोर देन माई सेकेंड मैक्स एंड माई एरे ऑफ आई जो भी एलिमेंट है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू माई मैक्स. ठीक है, तो मतलब कि मैं मैक्स ही फाइंड कर रही हूँ दोबारा अपने एरे में, बस मैं ये इंश्योर कर रही हूँ एट एवरी स्टेप कि वो जो हमारा पहले मैक्स एलिमेंट आया है, लार्जेस्ट एलिमेंट आया है, वो उसके इक्वल ना हो. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन मेरी पूरी जो है वो ट्रू हो जाती है तो मैं अपने सेकेंड मैक्स को अपडेट कर दूंगी बाय एरे ऑफ आई. ठीक है, एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना सेकेंड मैक्स. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है जो अब हमने लिखा है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ये हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी होगा हमारे एरे में वो सीधा रिटर्न कर देगा. ठीक है, एंड
ये पहले वाले कोड को कमेंट आउट कर देते हैं एंड व्हाट वील डू इज वील प्रिंट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एंड यहाँ पे हम पास कर रहे हैं अपना एरे और उसका साइज एन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं क्या आउटपुट आता है. हमारे पास 6 जो है वो प्रिंट हो रहा है, राइट दिख रहा है सबको. तो 6 जो है प्रिंट हो रहा है, सीधा हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है आ गया है इस फंक्शन से. एंड यहाँ पे ऑल्दो हमारे पास डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है, फिर भी हमारे पास करेक्ट आउटपुट आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही देर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस टू वन क्वेश्चन. एंड जहाँ पे हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कितनी बार ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने एरे को, कितना बड़ा सोल्यूशन है हमारा, और भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं सोल्यूशन के जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे. बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि दो चीज़ें इस क्वेश्चन से जो आपको देखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल अप्रोचेस सेम क्वेश्चन के लिए. सेकेंडली आपको इनपुट जो है ध्यान रखना है कि वो किस टाइप का आपको मिल रहा है, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, यूनिक एलिमेंट्स हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं. ये दो चीज़ें जो है यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है रोटेट द गिवन एरे ए बाय के स्टेप्स वेयर के इज नॉन नेगेटिव एंड के कैन बी ग्रेटर देन एन एज वेल वेयर एन इज द साइज ऑफ द एरे. तो यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा होगा. सपोज मैंने एक एरे ले लिया 1 2 3 4 5 और मेरा के जो है वो यहाँ पे है 2. तो मेरे को 2 स्टेप से इसको रोटेट करना है. इसका मतलब क्या कि एक बारी अगर मैं इसको रोटेट करूँगी, अगर मैं इसको स्टेप 1 एक स्टेप से रोटेट करूँगी तो मेरा जो एरे बन के आएगा वो कुछ ऐसा होगा. ठीक है, और अगर मैं 2 बारी इसको रोटेट करूँगी तो ये 4 5 1 2 3 हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये वाला जो एरे है ये चाहिए, विच इज़ मैंने इस एरे को 2 विच इज़ माई के स्टेप से रोटेट कर दिया. तो क्या मेरा एरे आएगा वो मुझे प्रिंट करना है. अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. अब आपने ये देख लिया कि जब मैं इस एरे को के स्टेप्स से रोटेट करूँगी तो लास्ट के जो के एलिमेंट्स हैं वो शुरू में आ जाएंगे और फिर जो फर्स्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं विच इज एन माइनस के वो आ जाएंगे. राइट, ये मेरा बनेगा एरे आफ्टर आई रोटेटेड बाय टू स्टेप्स. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक एम्प्टी एरे बनाऊंगी. मैं उसमें पहले जो लास्ट के k एलिमेंट्स हैं उनको इंसर्ट करूंगी और फिर फर्स्ट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, n माइनस k होंगे क्योंकि पूरा साइज जो है हमारे एरे का वो n है. तो k हमने पहले यहाँ पे डाल दिए एलिमेंट्स और फिर हम जो रिमेनिंग n माइनस k हैं उनको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे. तो मेरा जो आंसर आ रहा है जो मेरे को चाहिए वो मेरे पास मिल जाएगा. राइट, इसको अब हम कोड में देखते हैं कि ये कैसे होगा. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन लूप्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये आपसे इजीली हो जाना चाहिए. 3 4 5 ठीक है, एंड हमारा के जो है दैट इज 2. तो मैंने क्या बोला कि हम एक एक्स्ट्रा एरे बना लेते हैं. ठीक है, आंसर एरे जिसको मैं बोल रही हूँ एंड इसका जो साइज होगा वो इसके जो हमारा इनपुट एरे है उसके इक्वल होगा. तो इसका साइज मैं बता देती हूँ कि 5 साइज है हमारा एंड मैंने 5 साइज का जो एक आंसर एरे बना लिया. अब इस आंसर एरे में मुझे ये वैल्यूज जो है वो स्टोर करनी है. सबसे पहले मेरे को लास्ट के एलिमेंट्स स्टोर करने हैं. ठीक है, तो मैं एक लूप लगाती हूँ जो लास्ट के एलिमेंट्स पहले मेरे आंसर एरे में डालेगा.
अब आई मेरे को कहाँ से चलाना है, यहाँ पे लास्ट के के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मेरे को आई को स्टार्ट करना पड़ेगा एन माइनस के से, राइट? एंड ये चलेगा कहाँ तक, एन तक। यहाँ पे साइज की जगह मैं एन ही लिख देती हूँ यहाँ पे, कि हमने एक्सप्लेनेशन करते हुए एन यूज किया है। एंड यहाँ पर एक और चीज थी हमारे क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो लिखा होता k कैन बी ग्रेटर देन n एज वेल। इसका मतलब कि k अगर इज इक्वल टू 7 है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार वापस यहाँ पे आके समझो। अगर मेरा k जो है k इज इक्वल टू 7 है तो इसका मतलब क्या हुआ, टू स्टेप्स से रोटेट करूं तो मेरा यह बन रहा था, है ना। अब मैंने फोर स्टेप से अगर रोटेट किया तो, सॉरी यहाँ पे 4-5 आएगा, राइट। अगर मैंने इसको, ये सेकेंड स्टेप पे था, अब मैं इसको थर्ड स्टेप पे किया तो मेरा आंसर आएगा 3-4-5-1-2। फोर्थ स्टेप पे मेरा आंसर आएगा 2-3-4-5-1। एंड फिफ्थ स्टेप पे मेरा आंसर आएगा 1-2-3-4-5, विच इज सेम एज दिस माय ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 7 का मतलब क्या हुआ कि मैं 5 के मल्टीपल्स में, या फिर n के मल्टीपल्स में, मुझे बोलना चाहिए n के मल्टीपल्स में अगर मैं इसको रोटेट करूं तो मेरे को ओरिजिनल एरे ही मिल जाएगा, राइट। तो मुझे ये देखना है कि के परसेंटेज एन क्या है, मेरे को उतने स्टेप से रोटेट करना है। एक्चुअली 7 से अगर मैं रोटेट करना चाहती हूँ तो इसका मतलब 5 से रोटेट करूंगी तो मेरे को ओरिजिनल एरे मिल जाएगा, उसके बाद मुझे 2 टाइम्स और रोटेट करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी माई आंसर, राइट। तो आई कैन गेट दैट यूजिंग के परसेंटेज एन, मतलब कि 7% 5 इधर हो जाएगा विच इज 2, राइट। तो दिस कुड बी इवन 24% 5, है ना। अगर मेरे को 24 स्टेप से इसको रोटेट करना है तो मुझे पता है 20 स्टेप से मैं रोटेट करूंगी ओरिजिनल एरे आएगा, उसके बाद 4 स्टेप से मुझे और रोटेट करना पड़ेगा टू गेट माय आंसर एरे, राइट। तो यहाँ पे कोड में हम before actually rotating what we'll do is we'll say ki k is equal to k percentage n. अगर हमारा k हमें code में लिखा होता कि it's always less than n तो हमें ये step करने की जरूरत नहीं पड़ती, but we have to do this because k can be greater than n. और अगर k इक्वल टू n हो गया तो बल्ले बल्ले, तब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमारा ओरिजिनल एरे ही हमारा आंसर होगा, राइट, क्योंकि k जो है वो तब जीरो ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं, सपोज हमें, ठीक है, हमने k निकाल लिया है, अब हम क्या कर रहे थे, हमने एक लूप लगाया है जो कि लास्ट के k एलिमेंट्स को हमारे आंसर एरे में डाल रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी आंसर एरे, और यहाँ पे आंसर एरे में के में एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल बना लेती हूँ मैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इंट j इज इक्वल टू 0, ये जो है मेरे आंसर एरे के लिए है, एंड j आंसर एरे j इज इक्वल टू एरे ऑफ i, ठीक है। तो लास्ट के k एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे डाल देगा, और तो j को भी हमें यहाँ पे प्लस प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो डन दैट, अब यहाँ पे क्या हुआ इस लूप से ये हुआ कि हमने इंसर्टिंग लास्ट के एलिमेंट्स इन आंसर एरे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इंसर्ट first n minus k elements in answer array, ठीक है। तो how will we do that, दोबारा उसके लिए हम एक लूप लगा लेते हैं। हम ये लूप कहाँ जीरो से चलेगा, हमें फर्स्ट जो के जो एलिमेंट्स हैं वो डालने हैं जो कि जीरो से लेकर हमारे k तक है, ठीक है। n माइनस k के बाद
एन माइनस के जो पोजिशन है ठीक है वो हमने वहाँ से कवर कर लिए हैं। अब उससे पहले के हमारे कितने हुए, के माइनस वन तक के एलिमेंट्स हमें डालने हैं। क्या kth पोजिशन वाला एलिमेंट हमारा कवर हो गया है यहाँ पे, या हमें इसको लेस देन इक्वल टू k करना होगा राइट। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ज़ीरो सॉरी 1, 2, 3, 4 एंड 5 ठीक है। मैंने 4 और 5 जो है ये n माइनस k मेरे एलिमेंट्स हैं। दिस इज 5 माइनस 2 जस्ट 3 ठीक है। तो मेरा 4 जो है एलिमेंट दैट इज़ एट थर्ड पोजिशन। तो मैंने थर्ड से लेकर जो मेरे लास्ट ऑफ द एरे है वहाँ तक के मैंने एलिमेंट्स जो है अपने आंसर एरे में डाल लिए हैं। अब मेरे को जो दूसरा रूप लगाना है वो एरे के स्टार्टिंग से 0 से लेकर कहाँ तक के इक्वल टू तक जाना पड़ेगा राइट, क्योंकि ये एन माइनस के है तो मुझे के इक्वल टू तक जाना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो लूप चलेगा वो आई इज इक्वल टू 0 से लेके इक्वल टू के तक चलेगा। एंड व्हाट आई विल डू इज आंसर एरे जे प्लस प्लस अगेन इज इक्वल टू एरे ऑफ माई आई ठीक है। तो j हमने यहीं पर डिफाइन कर दिया था अपने लूप से बाहर ही, तो वही हमारी वैल्यू जो है g की वो चल रही होगी यहाँ पे राइट। एंड इन द एंड वी हैव टू प्रिंट आर आंसर एरे। तो उसके लिए एक और लूप लगा लेते हैं इज लेस देन इक्वल टू n, हमारा साइज तो वही रहेगा एरे का राइट। एंड वील प्रिंट आंसर एरे ऑफ आई एंड एंटर ठीक है। तो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पर मेरा 4, 5, 1, 2, 3 जो है 2 से मेरा एरे रोटेट हो गया प्रिंट हो गया। अगर मैं यहीं पे के की वैल्यू 3 कर देती हूँ तो लेट्स सी हमें सही आंसर मिल रहा है या नहीं। इन दिस केस में आंसर शुड बी 3, 4, 5, 1, 2 एंड यही प्रिंट हो रहा है राइट। सो वी गेटिंग द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करी है फॉर आर आंसर एरे। वी आर यूजिंग एक्स्ट्रा मेमोरी, एक अलग एरे हमने बनाया और उसमें हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे को एक्स्ट्रा एरे नहीं डिफाइन करना, मुझे एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज करनी कोड में, मुझे जो मेरा ओरिजिनल एरे है उसी पर ही ऑपरेशन करना है। तो इज दैट पॉसिबल, इस बारे में सोचिए। तो यस दिस इज पॉसिबल कि हम विदाउट एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करें अपने एरे को इन प्लेस रोटेट कर पाए। एंड दैट उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे रिवर्स ऑपरेशन। रिवर्स ऑपरेशन जो है वेक्टर्स में एक इनबिल्ट ऑपरेशन होता है जहाँ पे हमें पोजीशन बतानी होती है कि कहाँ से कहाँ तक हम अपने वेक्टर को रिवर्स करना चाहते हैं। एंड वो क्या करता है कि अगर मेरा वेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 है तो इस वेक्टर को वो वी डॉट बिगिन से लेके वी डॉट एंड तक रिवर्स करके मुझे दे देगा ठीक है। तो इस ऑपरेशन को यूज करके हम कोशिश करते हैं रोटेट करने की। हमारा ओरिजिनल एरे क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 और हमारा फाइनल जो हमें एरे चाहिए था वो क्या था, 4, 5, 1, 2, 3। तो आप देखोगे लास्ट के k एलिमेंट्स जो हैं वो इधर आ गए हैं, फर्स्ट के n माइनस k एलिमेंट्स इधर आ गए हैं ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं इस एरे को सपोज पूरा रिवर्स कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या बनेगा। इससे ये तो हो गया कि लास्ट के एलिमेंट्स इधर आ गए और फर्स्ट के एन माइनस के एलिमेंट्स इधर आ गए, बट इनको मैं दोबारा अगर रिवर्स कर दूंगी सिर्फ इन चंक्स को 5, 4 को और 3, 2, 1 को तो मेरे पास ये एरे आ जाएगा राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं पूरे अपने एरे को मैंने एक बार रिवर्स कर दिया और फिर फर्स्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया और फिर रिमेनिंग एन माइनस के को रिवर्स कर दिया तो मेरे पास अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे है ना। दिस इज द पैटर्न दैट यू नीड टू नोटिस यहाँ पर कि कैसे हम रिवर्स को यूज करके रोटेट
रोटेशन वाला एरे जो है वो फाइंड कर सकते हैं. एंड हियर हम ये इन प्लेस कर सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा एरे यूज करने की. तो यहाँ पे देखते हैं कोड में कैसे होता है. एंड यही यार यूज केसेस होते हैं हमारे वेक्टर के. कई बारी जैसे ये रिवर्स ऑपरेशन है, ये आप एरेस में भी कर सकते हो लेकिन आपको इसके लिए अलग खुद से फंक्शन लिखना पड़ेगा. लेकिन वेक्टर्स में ये इनबिल्ट है, तो ऐसे यूज केसेस में आप वेक्टर्स का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एरेस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेक्टर बना लेती हूँ. वेक्टर इंट वी इज इक्वल टू, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया राइट. एंड यहाँ पर सबसे पहले हम के बी सेम ले लेते हैं. के इज इक्वल टू टू एंड के इज परसेंटेज सॉरी के इज इक्वल टू के परसेंटेज जो भी हमारा वी डॉट साइज आ जाएगा राइट. तो हमारा जो जैसे हमने के किया था एन से किया था, वैसे ही हमने वी डॉट साइज ले लिया यहाँ पे. अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स करना है. रिवर्स वी डॉट बिगिन से वी डॉट एंड तक राइट. एंड इसके बाद मुझे फर्स्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, तो दैट वुड बी वी डॉट बिगिन से लेके वी डॉट बिगिन प्लस के. सिमिलरली लास्ट के एन माइनस के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे कर सकती हूँ, वी डॉट बिगिन सॉरी प्लस के से लेकर जो भी मेरा एंड एलिमेंट है वहां तक. ठीक है, तो इससे मेरा इन प्लेस जो है मेरा वेक्टर जो है वो रोटेट हो जाएगा बाय के स्टेप्स. एंड दैट वी कैन चेक यूजिंग फॉर लूप. तो फॉर लूप लगाते हैं एंड वी कैन यूज फॉर लूप फॉर ईच लूप यहाँ पे. ठीक है, एंड हमें क्या प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है. ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ ट्रेवर्सेस थ्रू एवरी एलिमेंट और ऑफ आर वेक्टर बी राइट. ओके, यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. कुछ एडिटर्स में अलाउड होता है, कुछ कोड एडिटर्स में नहीं अलाउड होता है. तो इट्स फाइन, हम पॉप बैक करके सॉरी पुश बैक करके अपनी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे. सो 2, 3, 4 and 5 लेट्स रन दिस. एंड हमारे यहाँ पे जो रोटेटेड आ रहे हैं वो हमारा आ रहा है 4, 5, 1, 2, 3. यहीं पे अगर मैं की को चेंज कर देती हूँ 3 से तो हमारा 3, 4, 5, 1, 2 आ गया. ठीक है, दैट्स आवर आंसर. तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के लिए, विच इज जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए. गिवन क्यूब क्वेरीज चेक इफ द गिवन नंबर इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट. मतलब कि हमें एक एरे दे रखा होगा. ठीक है, हमें एक एरे दे रखा होगा और उसमें हमारी कुछ वैल्यूज होंगी. अब हमें कुछ क्यूब क्वेरीज दे रखी होंगी, इसका मतलब कि हमें सपोज 4 क्वेरीज दे रखी हैं. एंड उन 4 क्वेरीज में क्या है, कुछ एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 3, 6, 7, 11. एंड हमें हर एक क्वेरी के लिए बताना है कि क्या वो एलिमेंट जो है हमारे एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं. ठीक है, दीज आर 4 क्वेरीज. क्या, तो पहले यूजर हमें देगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेरीज वो हमें देना चाहता है, फिर वो हमें कुछ क्यू क्वेरीज देगा. एंड देन हर एक क्वेरी के लिए हमें चेक करना है कि वो एलिमेंट जो है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं. अब ये आपको लग रहा होगा कि दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन बिफोर, जहाँ पे हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लेते हैं अपने एरे में कि वो एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं. अब यहाँ पर बात क्या आती है कि ये जो क्यू क्वेरीज है ना, दिस कैन बी अ वेरी बिग नंबर. तो क्या होगा कि अगर क्यू बहुत बड़ा नंबर है तो हमें हर एक क्वेरी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा जो क्वेरी में जो हमारा एलिमेंट आ रहा है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं.
right? That is obviously one way to do that. But is there any other better way जहाँ पे मुझे हर बारी अपने एरे को ट्रैवर्स ना करना पड़े पूरा टू चेक इफ दैट क्वेरी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन माई एरे और नॉट? देयर इज, एंड वो हम कैसे कर सकते हैं? मैं क्या बोल रही हूँ कि सपोज यही वाला हम एरे ले लेते हैं. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है कि वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे इज लेस देन 10^5. ठीक है, 10^5 से हमारी कम होगी. मैं आपको बोल रही हूँ 10^5 का आप एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लो, 10^5 साइज का. ठीक है, मैंने एक एरे बनाया 10^5 साइज. ठीक है, मैं उसको ऑब्वियसली यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, बट ये एरे जो है ये 10^5 साइज का है. एंड यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे ओरिजिनल एरे में प्रेजेंट, उनके इंडेसेस पे मैं +1 कर दूँ. मतलब कि 2 अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर 2 इंडेस पे मैं 1 कर दूँ. फिर 3 प्रेजेंट है तो वहाँ पे 1 कर दूँ. 5 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 5 इंडेस पे मैं 1 कर दूँ. देन 6 पे 1 हो जाएगा, देन 7 पे 1 हो जाएगा, देन 8 पे 1 हो जाएगा, सॉरी, राइट. तो जो एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है उनके इंडेस पे होगी वैल्यू 0, 0 से इनिशियलाइज कर सकती हूँ अपने एरे को. एंड जो जहाँ पर भी वैल्यूज प्रेजेंट है, मतलब जो मेरे ओरिजिनल एरे में वैल्यूज प्रेजेंट है, उन इंडेसेस पे क्या प्रेजेंट होगा? 1 प्रेजेंट होगा. तो मैं हर क्वेरी के लिए मेरे को बस ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी मेरी क्वेरी आ रही है, क्वेरी में जो एलिमेंट आ रहा है उस इंडेक्स पे 1 प्रेजेंट है या 0. 1 प्रेजेंट है तो मतलब कि वो एलिमेंट जो है मेरे ओरिजिनल एरे में प्रेजेंट है, 0 तो मतलब नहीं प्रेजेंट है. अब यहाँ पे हम ये इतना करने की ज़रूरत क्यों है? दिस इज बेसिकली प्री प्रोसेसिंग जो हम कर रहे हैं. कुछ हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे हैं 10^5 साइज का, ताकि जो क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, वो सिर्फ 4 क्वेरीज नहीं हो सकती, वो 400 क्वेरीज भी हो सकती. जो क्वेरीज हमारे पास आ रही है उनको हम जल्दी आंसर कर पाए, उनके लिए हमें हर क्वेरी के लिए अपने पूरे एरे में सर्च ना करना पड़े. ठीक है, तो इसको अब हम कोड में कैसे कर रहे होंगे? सबसे पहले एक एरे हम ले लेते हैं यूज़र से इनपुट. ठीक है, यूज़र से इनपुट ले लेंगे हम उसका साइज, एंड इस साइज का हम एक एरे बना देंगे वी, एंड देन हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, वी ऑफ आई जो है हमने यूज़र से इनपुट ले लिया. अब हमें क्या करना है? यूज़र से कुछ क्वेरीज लेनी है, तो कितनी क्वेरीज लेनी है वो भी यूज़र से ले लेते हैं. क्यू हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं इंटर क्वेरीज. ठीक है, तो पहले हम कितनी क्वेरीज लेनी है वो ले लेंगे, और उसके बाद हमें एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि क्यू क्वेरीज यूज़र से इनपुट ले लेगा. ठीक है, तो क्वेरीज के लिए अगेन हम उन्हें कहीं हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यूज़र से इनपुट ले सकते हैं. लेकिन क्वेरीज लेने के लिए लेने से पहले हम प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास एक यूज़र इनपुट आ गया, अब उसके लिए हम कुछ प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं और फिर हम यूज़र से क्वेरीज ले लेंगे. अब प्री प्रोसेसिंग करने के लिए हमें क्या करना है? मैं बोल रही हूँ कि एक हम वेक्टर बना लेते हैं ऑफ साइज 10^5, क्योंकि हमें पता है कि 10^5 से लेस देन एलिमेंट्स हैं हमारे सारे. ठीक है, तो मैं कॉन्स्टेंट इंटीजर n बना लेती हूँ. ठीक है, जिसको मैं बोल रही हूँ दैट इज 1e5+10. इसका मतलब दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन फॉर राइटिंग 10^5, राइट? एंड आई एम क्रिएटिंग अ वेक्टर
ऑफ टाइप इंट, जिसको मैं बोल रही हूँ फ्रीक्वेंसी वेक्टर. एंड यहाँ पर एक इतना साइज एन साइज का होगा और मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से. ठीक है, तो वेक्टर डिक्लेयर करते हो आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो, उसका साइज भी इनिशियलाइज कर सकते हो, और किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना है सारे एलिमेंट्स को वो भी आप मेंशन कर सकते हो. अब मुझे क्या करना है, मेरे को जो ओरिजिनल एरे है मेरा उसको ट्रैवर्स करना है मुझे. आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, एंड जो मेरा फ्रीक्वेंसी एरे है वहाँ पर मैं बोल दूंगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वी ऑफ आई, हर एक एलिमेंट जो मेरा वी में है, जो ओरिजिनल मेरा वेक्टर है, उस इंडेक्स पे मैं प्लस प्लस कर दूँ. ठीक है, हो सकता है कोई एलिमेंट जो है एक बार ही प्रेजेंट हो सकता है कई बार भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो हम ये भी बता पाएंगे कि वो कितनी बार प्रेजेंट है दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, तो हमने ये प्री प्रोसेसिंग करके एक ये फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया. अब हम यूज़र से क्वेरीज ले लेते हैं. ठीक है, हम बोलते हैं यूज़र को एंटर क्वेरीज, एंड इन क्यू जो है हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं. अब यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल क्यू माइनस माइनस हम एक यूज़र से क्वेरी एलिमेंट में डिफाइन कर रही हूँ जो कि हम यूज़र से ले रहे होंगे क्वेरी एलिमेंट. एंड मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है हर एक क्वेरी के लिए, मुझे प्रिंट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वेरी एलिमेंट. ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है. आप ये भी देख सकते हो कि वो क्वेरी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, उसको कंपेयर करके कि अगर वो ज़ीरो है तो वो नहीं प्रेजेंट है, अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा है उसकी वैल्यू तो वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप वो ट्रू फॉल्स भी रिटर्न कर सकते हो या फिर आप उसकी सीधा फ्रिक्वेंसी भी रिटर्न कर सकते हो. राइट, एंड दिस व्हाइल लूप विल कंटिन्यू फॉर क्यू टाइम्स, जितने मेरे नंबर ऑफ क्वेरीज हैं. एंड इसको रन करके देखते हैं हम. तो सबसे पहले हमने एक सिक्स साइज का एरे बना दिया जिसमें मैं 2, 3, 4, 5, 2 and 7 दे रही हूँ. ठीक है, और मैं क्वेरीज दे रही हूँ 3. मेरे को पता करना है 2 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 3 कितनी बार प्रेजेंट है, 1 टाइम प्रेजेंट है, 8 कितनी बार प्रेजेंट है, 0 टाइम प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसे जो है आई वॉज एबल टू फाइंड कि कोई भी एलिमेंट जो मेरे को क्वेरी में मिल रहा है वो प्रेजेंट है या नहीं और कितनी बार प्रेजेंट है. सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास. नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं एरेस पे, वेक्टर्स पे. आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने फोकस किया है टारगेट सम क्वेश्चंस पे. टारगेट सम क्वेश्चंस क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे पास कुछ टारगेट सम जो है वो दे रखा था और हमें बताना था कि कितने पेयर्स या कितने ट्रिपलेट्स प्रेजेंट हैं हमारे इनपुट में जिनका कलेक्टिव सम जो है वो टारगेट सम के इक्वल है. तो टारगेट सम से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में. फिर हमने ये भी देखा कि कैसे हम अपने एरे को या एरे एलिमेंट्स को मैन्युपुलेट कर सकते हैं to get our desired output. And हमने एक चीज़ जो notice करी वो ये थी कि एक question को करने के हमारे पास multiple approaches हो सकते हैं. हो सकता है किसी solution में हम अपने array को 4 बारी हमें traverse करना पड़े, किसी और solution में हमें maybe एक ही बार traverse करना पड़े, या किसी solution में हमें extra space की ज़रूरत हो जहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा एरे जो है क्रिएट कर रहे हैं. और हो सकता है किसी सॉल्यूशन में हम जो हमें इनपुट एरे है हम उसी में कुछ चेंजेस करके जो है अपना आउटपुट पे पहुँच जाए.
ठीक है, तो ऐसे जो है हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, कौन सा बेस्ट अप्रोच होता है, कौन सा बेस्ट सोल्यूशन होगा, ये भी हम आगे वाले लेक्चर्स में देख रहे होंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है। हमने ये भी किया कि रोटेट कैसे कर सकते हैं, रोटेट बाय के स्टेप्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे हमने इसके दो अप्रोचेस देखे, जहाँ पे हम एक बारी इनबिल्ट एरे में ही चेंज कर रहे थे और एक बारी हम एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर रहे थे। एंड लास्टली हमने क्वेरीज वाला जो है क्वेश्चन देखा, जहाँ पे हमें फाइंड करना था कि कोई भी एरे जो है हमें गिवन था एंड वी वर गेटिंग सम क्वेरीज एंड वी हैड टू टेल कि वो जो क्वेरी में एलिमेंट आ रहा है वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो हर बारी अपने एरे में चेक करने की जगह हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया, एंड इससे हुआ क्या कि फॉर एवरी क्वेरी वी डिडंट हैव टू ट्रैवर्स द एंटायर एरे, वी कुड चेक आवर फ्रीक्वेंसी एरे डायरेक्टली टू नो इफ सम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन आवर इनपुट एरे और नॉट। ठीक है, दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी डिड टुडे एंड सम ऑफ द थिंग्स वी लर्न्ड इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रिसोर्सेज के लिए यू मस्ट विजिट pwskills.com, जहाँ पर आप नोट्स, असाइनमेंट्स एंड आगे के लेक्चर्स का शेड्यूल ये सब एक्सेस कर पा रहे होंगे फॉर एब्सोल्युटली फ्री। एंड अगर आपको लेक्चर्स में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म गिवन है जहाँ पे आप अपने टेक्निकल डाउट्स लेक्चर से रिलेटेड जो भी हैं वो फिल कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जो है वो रेलिवेंट डाउट्स को उठाएगी एंड लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस में हम उन डाउट्स को कवर करेंगे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।